कोटा नगर निगम द्वारा आयोजित की जाने वाले राष्ट्रीय दशहरे मेले में अब स्थायी दुकानों के बाद अन्य दुकानों की नीलामी का कार्य शुरू होगा। एक दो दिन में नीलामी का कार्य शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसमें पूरी तरह से पारदर्शिता अपनाते हुए दुकानों का आवंटन किया जाएगा। 300 से अधिक ऐसी दुकानें हैं जिनका आवंटन नीलामी के जरिए होगा। स्थायी दुकान आवंटन प्रक्रिया में नियमों के दायरे से बाहर आ चुके दुकानदारों को भी नीलामी के माध्यम से दुकानों का आवंटन होगा। स्थायी दुकानों का आवंटन बराबर चालू है और जो नीलामी में दुकानें उनका आवंटन एक दो दिन में चालू करेंगे। हमारे एक जो वरिष्ठ लिपि के उनकी एक मदर की तबीयत खराब है तो छुट्टी में एक आध दिन में चालू कर लेंगे। आए तो का हमने अनुमान नहीं लगाया है क्योंकि दशहरा मेला हमारा आय का जरिया नहीं है। दशहरा मेला हमारे सांस्कृतिक धरोहर है, इसको सुरक्षित रखना है हमारे को। ठीक है, आय भी हमारे लिए विषय होता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि 4 करोड़ से ऊपर हमारी जो पिछली बार जो 3.5 करोड़ 370 के आसपास इनकम थी वो कुछ बढ़ेगी और खर्चा भी हमारा कुछ बढ़ेगा क्योंकि हमने जो स्थाई निर्माण के काम है बहुत चेंज किए हैं। तो 2.5 करोड़ रुपये करीब हमारा उसका स्थाई का जो खर्चा है वो मेरा ऐसा मानना है मेले खर्चे में नहीं आना चाहिए। तो स्थाई 10-20 साल के लिए खर्चा किया हमने, 10-20 साल पर डाइवर्ट होना चाहिए।